पाकिस्तान फैंस एनालिसिस में खुश आमदी। तो चंद दिन पहले एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी जो कि एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट थी और इसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के JF-17 थंडर और SAC यानी शंघाई एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के FC-31, J-31 या जिसे J-35 भी कहा जा सकता है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ हो सकती है। इसकी डिटेल पे बात करते हैं, लेकिन न्यूज़ की डिटेल में जाएं तो चाइनीज़ फायर आर्म्स में जो है बेसिकली थर्ड जनरेशन मीडियम थ्रस्ट नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन की प्रोडक्शन लाइन तैयार कर ली है। नोट, प्रोडक्शन लाइन तैयार कर ली है, यानी कि इसके टेस्ट पूरी तरह से मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाकायदा इसको मास प्रोड्यूस किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि थर्ड जनरेशन का मीडियम थ्रस्ट एरो इंजन का इशारा हो सकता है, जिसे अभी के लिए WS-13 इंजन के साथ मंसूब किया जा रहा है। एक इंजन जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इस WS-13 इंजन को JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट किए जाने के प्लान्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। माजी में ऐसे विजुअल्स भी हमें वाज़े तौर पे देखने को मिले हैं जिनमें इनफैक्ट JF-17 थंडर को WS-13 इंजन के साथ इंटीग्रेट करके कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जा चुके हैं। बल्कि एक और लिहाज से भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इंजन है, क्योंकि JF-17 की तरह WS-13 को FC-31, J-31 या J-35 पर इस्तेमाल किए जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और इनफैक्ट एक तरह से कन्फर्म है कि WS-13 को FC-31 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और सिर्फ अभी के लिए इसे क्लेमोव RD-93 इंजन के साथ या उसके किसी वेरिएंट के साथ टेस्ट किया जा रहा है। सो RD-93 दोनों फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्हें WS-13 के साथ रिप्लेस किया जाना है, और ये मिस्टीरियस इंजन जो कि मास प्रोड्यूस किया जाने वाला है, ये भी WS-13 ही शुमार किया जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं और अभी ये सोचना कि FC-31 या JF-17 जो हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली FC-31 के लिए कि इसके लिए एक सूटेबल इंजन मिल गया है, ये ठीक नहीं है। शुरू में मैंने बताया था कि एक नॉन आफ्टर बर्निंग मीडियम थ्रस्ट का इंजन है जो कि किसी एसेट में तो लगना है, और मेरे ख्याल से ये अभी FC-31 के लिए तैयार नहीं है, और एक मीडियम थ्रस्ट का इंजन किसी UAV या स्पेसिफिकली चाइना के स्टेल्थ UAVs में इस्तेमाल होगा, जैसे CH-7 हो सकता है, GJ-11 जो है वो एक UAV चाइना की जानिब से तैयार किया जा रहा है, और इसके अलावा भी कुछ स्टेल्थ UAVs बनाने के प्लान जो हैं उनकी पाइपलाइन में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से उनमें से किसी एक ड्रोन के अंदर जो है इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि मीडियम थ्रस्ट तक WS-13 को परफेक्ट कर लिया हो और शायद जहां पे मसाइल मौजूद हो वो उनके आफ्टर बर्निंग फेज़ में ही हो, मीनिंग कि इन दोनों JF-17 और FC-31 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए जो है ये भी तैयार ना हो, और अभी जिन मसाइल से WS-13 गुजर रहा है या इसके रिलायबिलिटी इश्यूज जो हैं वो अभी वहीं पर मौजूद हों। खैर, ये एक अहम वजह है कि हमें अभी से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जल्द ही WS-13 इंजन के साथ हम JF-17 को फ्लाई करते हुए देखेंगे या पाकिस्तान के FC-31 ख़रीदने के लिए एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। अगेन, ये बहुत ही अहम हिस्सा है गोइंग फॉरवर्ड। पर्सनली मैं पाकिस्तान को किसी कैपेसिटी में खुद इंजन की तैयारी में भी देखना चाहूँगा, लेकिन खैर अभी के लिए इस WS-13 की मुकम्मल तैयारी में कुछ वक्त लग सकता है। सो एलन वॉर्न, जो कि बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से अपने एक रिसेंटली पब्लिश आर्टिकल में JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन के मुतालिक कुछ अहम इन्फॉर्मेशन सामने आई है। शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान के JF-17 ब्रावो वर्जन की इंपॉर्टेंस से की है, जिसमें 2017 में पहली फ़्लाइट भरने और चाइना में इसकी तैयारी और फिर पाकिस्तान में इसकी तैयारी जो थी वो एक बहुत अहम लम्हा था, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए टैक्टिकल सर्विसज़ के लिए JF-17 थंडर भी एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आया। इन्हीं ओपिनियंस को जो है आर्मी चीफ ने भी एलन वॉर्न से एक डिस्कशन में जाहिर किया, और उनके मुताबिक बेसिकली पहले जो था JF-17 की कन्वर्जन के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें F7PG, F-16 और मिराज प्लेटफॉर्म्स थे। अब उनकी जगह पर सिर्फ ब्रावो वर्जन का इस्तेमाल यानी सिर्फ एक JF-17 के ज़रिए ही कन्वर्जन की जा सकेगी। नेचुरली OCU के बाद ही JF-17B पे कन्वर्जन की ट्रेनिंग दी जा सकेगी, और इसकी वजह से वेटरन्स की बजाय जो यंगर पायलट्स होंगे वो भी जल्द ही इन पे कन्वर्जन्स कर सकेंगे। इंटरेस्टिंगली चंद JF-17 थंडर 20 पे जो है रिफ्यूलिंग प्रॉब्स ऐड की गई हैं और कुछ पे नहीं की गई हैं, और एयर वाइस मार्शल के मुताबिक चूंकि ये फ्लीट के अराउंड मूव करने में आसान हैं, इसलिए तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट्स पे एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो कि N26 JF-17 थंडर के हवाले से कन्फर्म हो चुकी है वो ये कि N26 JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन पे
KLG-7A ASA रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा। और आई डोंट नो कि इसे ब्रावो वर्जन के लिए है या फिर तमाम के तमाम ब्लॉक 2 के JF-17 थंडर्स को KLG-7A से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तरह से फैसला कर लिया हुआ है या इस नतीजे में पहुंच चुका है कि KLG-7A LKF-601E से बेहतर नतीज दे रहा है और हायर एंड JF-17s के लिए एटलीस्ट KLG-7A ज़्यादा मुफीद होगा। नेरियट का बनाया हुआ ये एसा रेडार है जो कि ब्लॉक 3 में भी इस्तेमाल किया जाना है। लास्टली इसके सेल पोटेंशियल्स पे बात की गई कि JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो मीना रीजन के लिए यानी मिडिल ईस्टर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन के ममालिक के लिए जिनमें बहुत से ममालिक आ जाते हैं इन तमाम के लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर ये लोग जो है इसे एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर या OCU प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली उन्होंने कतर एयरफोर्स का जिक्र किया है कि कतरी एयरफोर्स का इंटरेस्ट इस JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन में स्पार्क कर सकता है क्योंकि उनके स्टाफ जनरल यानी कतरी एयरफोर्स के कमांडर का पाकिस्तान में बाकायदा विजिट होता रहता है और इस प्रोग्राम के हवाले से वो बाकायदा अपडेट लेते रहते हैं या उनको जो है इस हवाले से अपडेट रेगुलर बेसिस पर दी जाती है। तो एन मुमकिन है कि कतरी एयरफोर्स के हवाले से मे बी एज अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म मे बी एज अ ट्विन सीटर एसा रेडार फाइटर जेट के तौर पे इस ब्रावो वर्जन को ख़रीदा जा सके। और जैसे कि मैंने बताया कि एलन वॉन्स के मुताबिक मीना रीजन के अंदर जो है या मीना रीजन के ममालिक के अंदर जो है ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये परचेज़ कतर की जानब से की जाती है तो फिर ये किक स्टार्टर का रोल जो है प्ले कर सकता है। JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन जो है एक सीरियस परचेज़ के तौर पे भी देखा जा सकता है और ये नेचुरली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पावर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकता है। तो पिछले चंद दिनों में जो है एक इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट परफॉर्म हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन नेवी के हवाले से और उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस ठीक साबित होते हैं तो उसके कुछ असरात ज़रूर हमें देखने को मिल सकते हैं। फरवरी 18 को जो है प्रेस टीवी ने ये न्यूज़ पब्लिश की है कि ईरान और रशिया जो कि आपस में नेवल एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ हैं एक काफ़ी बड़े स्केल की नेवल एक्सरसाइज उनकी जानिब से की जा रही है जिनमें पायरेसी एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और प्रेस टीवी के मुताबिक जो कि ईरान का स्टेट टीवी है उनके मुताबिक एक मखसूस नंबर में इंडियन नेवल वेसल्स जो हैं इस एक्सरसाइज में पहुँच गई और अनएक्सपेक्टेड तौर पर नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने की रिक्वेस्ट करने लगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एकदम इंडियन नेवी अपनी एक्सरसाइज छोड़ के ईरान और रशिया की एक्सरसाइज के वाटर्स में दाखिल होकर एक्सरसाइज की दरख्वास्त करने लगी। इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे अब डिनाई कर दिया हुआ है लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मोटिव समझा जा सकता है कि USA से बच के इस किस्म की एक्सरसाइज में हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है और ऑब्वियसली USA के साथ अलायंस के बाद जो है इंडिया और ऑब्वियसली USA के साथ अलायंस के बाद जो है इंडिया दिखाने में ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लेकिन हाइंडसाइट में जो है इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि वो अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से ताल्लुकात मेंटेन रखे और उसके साथ साथ जो है ईरान और रशिया जैसे ममालिक से भी ताल्लुकात को उन्हें मेंटेन रखना होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसके हवाले से फ्यूचर आउटकम्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपके कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।